दोस्तों अगर आप एक इंस्टाग्राम यूजर्स हो, इंस्टाग्राम को यूज़ करते हो तो ये वीडियो आप ही के लिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ इंस्टाग्राम पर काफ़ी पर्सन को, काफ़ी लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही है कि उनकी जो स्टोरी है उसके कलर चेंज हो जाते हैं और जो रील्स की वीडियो होती है उसके भी कलर चेंज हो जाते हैं, कुछ इस तरह के कलर हो जाते हैं। जैसे कि बराबर में मैं यहाँ पर आपको कुछ स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, इसमें जो है आप देख सकते हो ये इस तरह के कलर्स उनके हो जाते हैं। तो काफ़ी लोगों के डीएम्स एंड कमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं जो कि कहते हैं कि भाई हमने अपनी इंस्टाग्राम की स्टोरी को लगाया और लगाने के बाद में जब वो अपलोड हो गई, जब वो पोस्ट हो गई तो उसके कलर चेंज हो गए। काफ़ी पर्सन यहाँ पर ये कहते हैं कि भाई हमने रील्स वीडियो को जैसे ही अपलोड किया, अपलोड करने के बाद में हमारी रील्स वीडियो के कलर्स चेंज हो गए। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ ये प्रॉब्लम आपके साथ में क्यों आ रही है और इस प्रॉब्लम को आप कैसे सोल्व कर सकते हो। अगर आप इस प्रॉब्लम को सोल्व करना चाहते हो तो हमारी इस वीडियो को आपको बिना स्किप किए एंड तक देखना है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने भाई का नाम जान लीजिए, मेरा नाम है शाहिद और आप देख रहे हैं शाहिद एसएस यूट्यूब चैनल। चैनल पर नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर लो ताकि आने वाली मेरी वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बता देना चाहता हूँ कि आपको जो है चेक करना है कि आप जो फ़ोन यूज़ कर रहे हो उसकी रैम कितनी है। अगर उसकी रैम 2 GB है, 3 GB है तो उसके अंदर रील्स का जो फीचर्स है वो सही से सपोर्ट नहीं करता है, वो वर्क नहीं करता है और इसी तरह से स्टोरी भी वहाँ पर जो है सही से वर्क नहीं करती है। तो आपको जो है कम से कम 4 GB रैम वाला फ़ोन यूज़ करना चाहिए। अब मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ और बताता हूँ, काफ़ी लोगों के जो DMs एंड कमेंट्स मुझे आते हैं तो वो कहते हैं कि भाई हमारे जो है कलर्स चेंज हो रहे हैं स्टोरी के और रील्स के अपलोड करने के बाद में। तो मैंने उनसे कहा कि भाई आप अपने Instagram अकाउंट को किसी फ्रेंड के फ़ोन में या फिर आप फैमिली मेम्बर के फ़ोन में अकाउंट को अपने लॉगिन कीजिए और वहाँ पर जो है चेक कीजिए सेम प्रॉब्लम आती है या फिर नहीं आती है। तो उन लोगों ने ऐसे ही किया, अपने फैमिली मेम्बर के और फ्रेंड के फ़ोन में अपने अकाउंट को लॉगिन किया और लॉगिन करने के बाद में उन्होंने स्टोरी डाली, रील्स अपलोड की तो वहाँ पर उनको कोई भी दिक्कत नहीं दिखाई दी क्योंकि वहाँ पर जो उनका फ़ोन था वो 4 GB से ऊपर था। किसी फ़ोन की जो रैम थी वो 4 GB थी और किसी की 6 GB थी। तो गाइस मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि ये जो प्रॉब्लम आती है वो छोटे फ़ोन को आती है, 2 GB रैम, 3 GB रैम। अगर आपके पास में 4 GB रैम और 6 GB रैम वाला फ़ोन है तो उसके अंदर ये प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि जो रील सपोर्ट करता है वो 4 GB और 6 GB ही सपोर्ट करता है। वैसे तो यूँ तो चल भी जाता है बहुत से फ़ोन के अंदर 2 GB और 3 GB में, लेकिन कुछ कुछ फ़ोन ऐसे होते हैं जिनमें ये वर्क नहीं करता है प्रॉपर तरीके से। तो आपको जो है अपने डिवाइस को चेंज करके अपने अकाउंट को किसी दूसरे फ़ोन के अंदर लॉगिन करके देखना है, उसके बाद में चेक करना है कि इसमें भी हमारी स्टोरी और रील्स की वीडियो के कलर चेंज होते हैं या फिर नहीं होते हैं। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि हाँ अब कलर चेंज नहीं हो रहे हैं दूसरे डिवाइस में लॉगिन करने के बाद में, तो आपको अपने फ़ोन को जो है चेंज करना होगा, डिवाइस को चेंज करना होगा, उसके बाद में जो आपकी ये प्रॉब्लम इस तरह से सोल्व हो जाएगी। ये फ़ोन की प्रॉब्लम होती है और अकाउंट के अंदर हमारी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, कोई सेटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ फ़ोन की प्रॉब्लम होती है। कुछ फ़ोन जो है रील्स और स्टोरी को सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको पसंद आई तो इसको लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।